नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजतरीन खबरों का। पीएम नरेंद्र मोदी 23 नवंबर को मथुरा आएंगे, जहां वह ब्रज रज महोत्सव में हिस्सा लेंगे। वह दूसरी बार भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंच रहे हैं, जहां उनके आगमन से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज वृंदावन और मथुरा का दौरा कर प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों का जायजा लेंगे। दिल्ली के झरौंदा 2 और संगम विहार के हजारों लोगों को मकान खाली करने के लैंड एंड बिल्डिंग विभाग के नोटिस पर अमल पर कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है, जहां प्रशासन ने नोटिस जारी कर 19 नवंबर अर्थात आज तक मकान खाली करने को कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 नवंबर को पहली बार वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने पहुंचेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी 12 फरवरी 2019 को अक्षय पात्र फाउंडेशन में आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए वृंदावन आए थे, लेकिन उस वक्त ठाकुर बांके बिहारी के मंदिर का दर्शन उन्होंने नहीं किया था। वहीं खबर है कि 24 नवंबर को भी वृंदावन में ही रह सकते हैं पीएम मोदी। बता दें कि 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा का चुनाव है और वृंदावन के प्रति राजस्थान के लोगों में काफी भक्ति और श्रद्धा है। बिहार के सीतामढ़ी बाजपट्टी थाना क्षेत्र के महुआन गांव में 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जहां एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। वहीं खबर है कि जहरीली शराब पीने से इनकी मौत हुई है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार होने और अति गंभीर श्रेणी से बाहर आने के चलते दिल्ली वालों के ऊपर लगाए गए ग्रेप 4 चरण के प्रतिबंध को हटा लिया गया है। अब ग्रेप 4 के तहत लागू सभी प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। और जैसे ही आपके लाइक कमेंट आते हैं, हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो गई है, जहां आज ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। वहीं कल उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद महापर्व समाप्त होगा। हिमाचल प्रदेश के कोल्हापुर में गन्ने की कीमतों को बढ़ाने की मांग को लेकर आज नेशनल हाईवे को किसान जाम करेंगे। विश्व कप क्रिकेट के महासंग्राम का फाइनल मैच आज गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा, जहां खबर है कि आईसीसी विश्व कप के फाइनल मुकाबले को देखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम पहुंच सकते हैं। दिल्ली में छठ पूजा के मद्देनजर आज रहेगा ड्राई डे, बंद रहेगी शराब की दुकानें, केजरीवाल सरकार ने जारी किया है आदेश। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में आज हरियाणा डे है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के बिजली एवं जेल मंत्री रंजीत सिंह होंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक हुई, जहां जल शक्ति विभाग में 4500 पैरा कर्मचारियों को नियुक्त करने और राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग के कर एवं कराधान निरीक्षक के 25 पदों पर और बागवानी विभाग के बागवानी विकास अधिकारी के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के एक सीमावर्ती गांव के रहने वाले एक आईटीबीपी के जवान छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान नक्सल हमले में बलिदान हो गए, जहां अधिकारियों के मुताबिक मारे गए जवान का शव उनके घर पहुंच गया है और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। टीम इंडिया की प्रैक्टिस जर्सी को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि मैन इन ब्लू ने अपने अभ्यास सत्रों के दौरान भगवा जर्सी क्यों पहनी थी। महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच गई है, जहां मुंबई पुलिस ने उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुंबई पुलिस का कहना है कि आदित्य ठाकरे ने अपने समर्थकों के साथ लोअर पैरेल में डेलिसले रोड ब्रिज का अवैध रूप से उद्घाटन किया है। राजस्थान के नागौर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सिर्फ कुर्सी बचाने में लगी है, उसने जनता के साथ सिर्फ विश्वासघात किया। अब समय आ गया है कि कांग्रेस को हटाना है और बीजेपी को लाना है। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर द्वारा जन सामान्य से शिकायतें सुनी और गंभीरता से उनके निष्पादन हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
शिरोमणि अकाली दल ने कहा है कि जैसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मजीठिया से माफी मांगी थी, वैसे ही पंजाब के सीएम भगवंत मान को भी सुखबीर बादल से माफी मांगनी पड़ेगी। हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में लाखों परिवार को बड़ी राहत देते हुए संपत्ति कर के भुगतान 15% के छूट की योजना को जारी रखा है। इससे पहले संपत्ति कर में 15% छूट के साथ 100% ब्याज माफी की योजना वर्ष 2010 से वर्ष 2022-23 तक लागू थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा पोलगांव सुरंग में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने का रेस्क्यू अभियान दिन ब दिन चुनौतीपूर्ण बन रहा है, जहां सुरंग में दरार आने से 26 घंटे तक रेस्क्यू कार पर ब्रेक लग गया था और सचिव भास्कर खुलबे अपनी टीम के साथ उत्तरकाशी पहुंचे और सिलक्यारा सुरंग में रेस्क्यू के कमान को अपने हाथों में ली, तब जाकर फिर से बचाव अभियान शुरू किया गया। गिरिडीह में मनरेगा में धांधली का मामला सामने आया है, जहां शिकायत मिलने के बाद अधिकारी एक्शन में हैं। इस मामले को लेकर उपायुक्त नमन ने बीडीओ को चिट्ठी लिखकर जांच के निर्देश दिए हैं, साथ ही एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट भी मांगा है। छत्तीसगढ़ में दो फेस में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। पहले फेस में 20 सीटों पर और दूसरे फेस में 70 सीटों पर मतदान हुए, जहां वोटिंग प्रतिशत 76% और 75% देखी गई। वहीं राज्य में अभी कांग्रेस की सरकार है, जहां बढ़े हुए वोटिंग प्रतिशत से बीजेपी ने भी जीत के दावे किए हैं। वहीं कांग्रेस ने रिपीट की बात कही है, होगा क्या ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चुनाव के दौरान झड़प को लेकर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने कहा है कि उम्मीदवारों के बीच हाथापाई हुई, पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्दी ही सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।